चलो ओके नाउ गेट सेट, अभी टाइम ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर टू ऑन है ना सुटिया, दैट इज क्लास इंटरवल और अब हम इसमें अननोन देखेंगे। पहले भी हमने किया हुआ है, उसमें अननोन का पता किया कि नहीं, तो इसमें भी देखो क्लास इंटरवल बात ना करें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60। अब इसमें ये किसके डिस्ट्रीब्यूशन है ये बताया नहीं गया है कि क्या चीज बताती है, लेकिन फिर भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी 5x 20 15 y 5 टोटल देखो, टोटल 60। अब जरा देखिए हमें इसमें मीडियन निकालना है, मीडियन कितना दिया है बताओ, 28.5। मीडियन इज 28.5, तो मीडियन क्लास क्या हुई बताइए, जहां 28.5 आता हो वो कौन सी क्लास है, तो यही हुई, इसी में तो 28.5 आ रहा है, तो 28.5 मार्क्स आर द मीडियन मार्क्स, तो ये किस क्लास में पढ़ रहा है, क्या ये 20 से 30 में पढ़ेगा, तो बताइए मीडियन क्लास क्या हुई, ये नंबर किस क्लास में पढ़ेंगे, देखो बोलो 20 to 30, समझ में आई बात कि नहीं, ये नंबर किस क्लास में पढ़ेंगे, तो मीडियन क्लास क्या हुई 20 to 30। सार्थक एल की वैल्यू क्या हुई, हाँ मनीष बताओ, अच्छा एच की वैल्यू क्या हुई, 10। और इसके अलावा अब आपको एन बाई टू एन की वैल्यू क्या हुई, 60। और सी एफ की वैल्यू क्या हुई, अभी हमने निकाली नहीं इसलिए आप नहीं बता पाए, चलो ये 5 है, सी एफ निकालते जाओ, यहां क्या लिखा है 5 + x, और यहां क्या लिखा है 25 + x, फिर यहाँ क्या लिखें 40 + x, और अब क्या लिखें 40 + x + y, और फिर यहाँ 5 + x + y। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि मीडियम क्लास के ऊपर वाली द क्लास ये वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू, तो इसे आप सी एफ लिख लें, तो दिव्यांगी बोलो एफ क्या हुआ, क्योंकि दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, तो मीडियम का फॉर्मूला क्या हुआ, एल प्लस ब्रैकेट एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इनटू एच। बहुत अच्छा, तो देखो मीडियम इज इक्वल्स टू, मीडियम इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और इनटू एच, एल एल कितना है 20 और एन बाई टू क्या ये 60/2 होगा, और सी एफ कितना है बताओ, क्या 5 + x है, और एफ कितना है, इसमें हम ऐसे डायरेक्ट 13 नहीं लिख सकते, पहला स्टेप वैल्यू प्लेसिंग का है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अच्छा सर, पूरी अच्छी तरीके से वैल्यू डाल के दिखा दीजिए, मैं ही आता हूँ। और सर वहाँ पे टोटल लिखा है, वहीं पे डायरेक्ट एन बाई टू करके 30 लिखा है, और यहाँ 28.5 लिखो, क्या अगर जहाँ टोटल 60 लिखा है वहीं पे एक स्टेप कर दे n by 2 = 30, तो फिर डायरेक्ट आ सकते लिख सकती हो, लेकिन ये होता है बहुत पहले से करना है, यानी कि फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू प्लेस ही करना, लोग मानते नहीं है।
ठीक है, और इनटू एन एच कितना है 10, ये सब डाल दिया, देखो मीडियम भी डाल दिया। अब इसमें अननोन क्या बचा, x, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये 60 ही 45 प्लस x प्लस y, क्योंकि जो इसका लास्ट होता वही तो ये होता है, तो इट इज 60, आप लिख लें कि 45 प्लस x प्लस y क्या है 60, ये इक्वेशन वन हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो देखो 28.5 में से सबसे पहले तो 20 सब्ट्रैक्ट करो, उधर ले जाओ, और यहां क्या बचेगा 30 माइनस 5 माइनस x और अपॉन 20 है, तो क्या ये जीरो से जीरो चला गया, तो क्या बचा 2, ठीक है, यहां क्या बच रहा है 8.5 इंटू 2, तो यहां बताओ कितना बचा 25 माइनस x, यहां क्या हो गया 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x, तो x को इधर ले लो तो 25 माइनस 17, तो x की क्या वैल्यू आई 8, x अगर इसमें 8 डाला जाए पुट इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन में डालिए 45 प्लस 8 और प्लस y, तो बताइए 45 प्लस 8 कितना हुआ, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 7 और x की वैल्यू 1, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, और एक ठीक ऐसा ही एग्जांपल में दिया है तो मैं वो भी आपके लिए लिख देता हूँ, बाकी आप चाहें तो मिला सकते हैं एग्जांपल लेटर, जस्ट एक झलक ले लें उसकी। नाउ क्लास इंटरवल दिया है, क्या दिया है 0 से 100 और 100 से 200, से 300 से 400 से 500 600 से, फिर 800 से 900, ये किस चीज के डेटा दिए गए हैं, क्लास इंटरवल के 900 से 1000, मीडियन कुछ भी नहीं दिया है। अब फ्रीक्वेंसी है 25x1217 20y974, और मीडियन दिया है, मीडियन इज, देखो मीडियन क्या दिया है, मीडियन इज 525 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 100, टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी है, इज 100, ठीक है। अब फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, तो अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा दूं, ये है एग्जांपल नंबर 8, तो एक ये कर लो और एक सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं और अभी भी बोर्ड में ही है। और अगर आप बोर्ड हो चुके हैं तो बता दीजिए। फिर मैं एजोनेंस कराऊं। Among mean
n मोड। इसको आप याद रखिए कि मोमी मैड, मोमी पागल हो गई है। सो मो मी और मैड, मैड से यही समझा जा सकता है, इज इक्वल टू जीरो। और वन टू और प्लस माइनस ये मान लो। मोमी मैड एक दो तीन, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है। अदरवाइज ये रिलेशन बड़ा आपस में इंट्रिंसिक है, याद नहीं होता है। ठीक है, तो मो का क्या मतलब होता है बोलो? मोड प्लस टू मीन और माइनस थ्री मीडियम इज इक्वल टू जीरो। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, इवन कभी ये डेसिमल क्या यूनिट प्लेस पर भी धोखा देता है, फिर भी ये रिलेशन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में है जिसमें मीन मीडियन मोड निकालने के लिए कहा गया? वो क्वेश्चन का आप लास्ट में आंसर देखो। ये लो, कितना है बताओ आंसर उसका? 14.8 है, मीडियन है 137 है। अच्छा, और बोलो। मीन है 137.05। और ये भी बोलो। मोड है 135.76। अब मैं ये सेट कर रहा हूँ, देखो जीरो आता है कि नहीं, वेरिफिकेशन करना चाहिए। तो देखो वेरिफिकेशन, तो इसमें तो कुछ नहीं है, 135.76 2 से मल्टीप्लाई करो जरा इसे, तो कितना जाएगा? दैट इज 13 26 274.1। और इस पे 3 से करो 411। कितना? 411। तो 411 इस 3 3 9 2 11। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, 135.75 और 274.1, तो ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, 9, 7, 3, 10, 4, तो 409 हुआ कि नहीं? अब 0.85, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये दोनों ठीक है? जहां हम इतना पास पास करते कहीं जीरो आ सकता है कभी? तो इस तरीके से इसकी वैल्यू इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कहने के लिए रिलेशन जरूर है, सिर्फ ये आप ये जानिए, इससे कभी निकालिएगा नहीं वैल्यू, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आप सिर्फ इसको एमसीक्यू के लिए ही रखिए। दिया है बुक में, लेकिन इससे कभी निकालना नहीं कि दो निकल आए, आप तीसरी इससे निकालें, फिर धोखा ही मिलेगा। तो ये हमेशा गलत है। हाँ, जितने साल हमेशा तो बहुत दिनों से निकालना। बस ये रिलेशन है, याद रखो, एमसीक्यू में आ जाए तो बता देना, एमसीक्यू में पूछते हैं बस। यूज एमसीक्यू में आता रहेगा। जमा कर दें पेपर भाई। नहीं, क्या बताऊं, पीछे आंसर एकदम एग्जैक्ट नहीं आता है, बहुत बार देखा है। अब आप देखो, दो दो का अंतर पड़ रहा है, तुम्हें क्या लगता है आंसर आएगा? अगर डेसिमल में होता तो भी हम देख लेते हैं। यूनिट टेस्ट में ही अंतर आ गया। अब जरा देखो प्रोबेबिलिटी, ओके चलिए, ना यशिका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, मेरा कहने का मतलब है प्रायिकता। That is, सुनो इधर ध्यान दो, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। जमा कर दो, कितना बाकी है? हो गया, ओके बात मत करो प्लीज, हम यही बोलते रहे। देखिए, चांस ऑफ
occurrence of anything is called probability. ठीक है, जैसे कभी कभी ये कहा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी, टुडे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इज 1/2 ऑफ रेनिंग, आप कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, या तो ऐसा भी लोग कहते हैं 90%, जैसे बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है, और या ये भी कहा जा सकता है 9/10 यानी 0.9% है, 10 में से 9% चांस है, 90% तो यही होता है कि नहीं, 90% का क्या मतलब है 90/100 में 90, और यही क्या 9/10 नहीं है, और यही क्या 0.9 नहीं है, सब एक ही चीज तो है। तो इस तरीके से नाउ व्हाट डज इट मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट, सो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स, जो डील करती है विद चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनीथिंग इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। ये 1985 तक ये मैथमेटिक्स की कोई शाखा नहीं थी, और हम लोग जैसे ही 10th पढ़ के आए 11th में, उस समय ये ब्रांच बन चुकी थी, और आज प्रोबेबिलिटी का ऐसी कोई फील्ड नहीं है, इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री हो चाहे बिल्डिंग इंडस्ट्री हो या और रिफाइनिंग इंडस्ट्री हो, प्रोबेबिलिटी लेके चला जाता है, कितनी संभावना है उसके हिसाब से वो लोग, क्योंकि इट इज़ ऑल एस्पेक्ट, जिसकी वजह से लोग अपना कहीं फाइनेंस में निवेश कर रहे हैं, भारत में अच्छे स्थायित्व का है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ ज़्यादा निवेश है। यूएई में क्या है, यूएई में सिर्फ वहाँ की सरकार ऐसी किसी को प्रदर्शन नहीं करने देती है, और इस स्टेबिलिटी के चक्कर में वहाँ धड़ाधड़ निवेश हो रहा है, तो लोग ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, और कहीं कहीं पर स्वीडन में वहाँ पर कुरान जलाने की भी अनुमति है, तो वहाँ से निवेश भाग गया सारा, तो समझ में आया बात कि नहीं, लोग ये देखते हैं कि सरकार कैसी है, और यूएई में तुमने कुछ भी बाहर निकला तुम अपने मन में रखो जो तुम्हारे दिल में, घर में बैठ के करो जो करना है, बाहर नहीं करना है कुछ, सऊदी अरेबिया में भी, तो उन लोगों ने सिर्फ अपने यहाँ स्थायित्व तो दे रखा है, और इसकी वजह से क्या बताइए इन्वेस्टमेंट है, लोग जानते हैं कि स्टेबल है, तो इस तरीके से जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा हो ये सब हो रहा हो तो वहाँ प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो सभी ऐसी फील्ड हैं जिसमें ये देखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज की, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद चांस ऑफ हैपनिंग एनीथिंग, समझ में आ गई कि नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद, जो किससे डील करती है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनीथिंग। इसके जनक फर्मी है, वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के टीचर थे, और वो वहाँ पर गए थे, बहुत बड़ा बार था, मतलब ठेका था, वहाँ शराब पी रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक वो आता था गोटी खेलने वाला, तो इस पासे फेंकता था डाइस, और वो कहता था 7 से नीचे तुम्हारा, 7 से ऊपर हमारा, और रोज जीत के जाता था। बोले ये क्या चीज इसने नहीं खेल लिए, मतलब 2 पासे हैं, और कह रहा है कि अगर उसका जोड़ 7 से कम आ जाए तो तुम्हारा जो पैसा तुमने लगाया उसका डबल दे देंगे, और अगर 7 से ऊपर आ जाता तो तुम्हारा पैसा हम ले लेंगे। वो पूरा दिन बैठ बैठ के देखते रहे, उनका दिमाग खराब हो गया, फिर वो मैथमेटिशियन बन गया, प्रोबेबिलिटी के जनक कहे जाने लगे, और उन्होंने ये पूरा ब्रांच डाल दिया। चलो, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स, और अभी ये ऐसा है कि आगे चल के आपको ट्वेल्थ में भी पढ़नी है, बीएससी में भी पढ़नी है, और एमएससी में भी, ये हर एक की अपरिहार्य शाखा बन चुकी है, ठीक है। सो इट इज विच डील्स विद चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनीथिंग। अब एनीथिंग यानी एनी इवेंट, अब हम देखें व्हाट डज इट मीन दैट कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सो द एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग विच द आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, द एक्सपेरिमेंट
ड्यूरिंग विच आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। जैसे शकुनी का पासा, तो शकुनी के पासे में उसने ऊपर तो लकड़ी दी और नीचे कॉपर लगा रखा था, ये देखो कॉपर, हाँ कॉपर था, तो जब वो हवा में उछालता था तो हमेशा कॉपर ही नीचे तैरता हुआ आएगा। जैसे तुम किसी एक मेटल पे थर्माकोल लगा दो तो थर्माकोल के बल गिरेगा कि मेटल के बल, मेटल, तो वो कॉपर के बल गिरता था और ऊपर छह आते थे उसके, हमेशा वो जीत जाता था। तो क्या वो उस वो अपने आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकता था एडवांस में? और ऐसे एक अर्न है, ये झोला, और इस झोले में बहुत सारी बॉल है, और तुम कहो देखना बच्चा देखना अभी इसमें लाल बॉल है कि लाल बॉल, ये लाल बॉल देखते जा रहे हैं उसी में, लाल आएगी देखना, लाल आएगी लाल ही लाल देख रहे हो। सो ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट नो फॉल्स या कोई भी इस तरीके का अनफेयर मीन्स आर यूज्ड। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है कि यद्रक्षया यदि कोई प्रयोग किया जाए जिसमें कि आप उसके आने वाले आउटकम को परिणाम को पहले से ना बता सकें, और इसमें एक से ज्यादा परिणाम भी होने चाहिए, ये नहीं कि सारी काली बॉली रख दी अभी कह दो काली आएगी, आएगी काली शोले की तरह नहीं कि दोनों तरफ हेड है, और फिर कह देखना हेड ही आएगा धर्मेंद्र, और हमेशा अमिताभ बच्चन हार जाता था धर्मेंद्र जीत जाता, तो उसका ऐसा सिक्का था जिसमें दोनों तरफ, तो जब धर्मेंद्र मारा गया तो बोला इसने हमारे साथ चीटिंग की। अच्छा ये देखो, इन दिस नो अनफेयर मीन्स इज यूज्ड, कोई अनफेयर मीनिंग नहीं यूज किया जा सकता, इन दिस नो अनफेयर मीन्स आर यूज्ड टू मेक आउटकम इन फेवर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, जिससे कि जो आने वाला परिणाम है वो प्रयोगकर्ता के पक्ष में हो जाए। इसके लिए आप कोई भी गलत साधनों का या गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा, ठीक है। यूज टू मेक द आउटकम इन फेवर ऑफ एक्सपेरिमेंटल, टू मेक द आउटकम, और इसका क्या फीचर होता है ऑफ यानी ऑल आउटकम्स, पहली बात तो कोई अनफेयर मीन नहीं यूज किया जाएगा, ऑल आउटकम्स हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, जो बेसिक एलिमेंट्री आउटकम्स हैं, जो आना है छह आना चार आना तीन आना जितने भी आउटकम्स हैं क्या सबके इक्वल चांस ऑफ अकरेंस होंगे, एंड देयर आर मोर देन वन आउटकम, सारी बॉलें उसमें काली ना भरी हो, भरी हो सकती है, सो ऑल द बॉल शुड नॉट बी इन दिस अर्न। ऐसा अगर तुमने झोला ले लिया तो उसमें कहो कि सो पहली बात देयर आर मोर देन, और ईशान दूसरी बात क्या है आउटकम, और दूसरी बात क्या है अभी तुम ही ने बताई थी फटाफट है ना तुम्हारे, तो जैसा तुमने यस देयर आर इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, ठीक है, ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, सभी आउटकम्स क्या हो इक्वली लाइकली, ऑल आउटकम्स, ऐसा मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तुम नाइन्थ में भी पढ़े हो, तुम्हें हर चीज पता है, इसलिए तुमको तुम्हें हर चीज तुम्हीं से पूछी जाएगी, अब ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तुमको बता दिया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बता दिया, सब कुछ नाइन पे हर चीज पढ़ा दी तुमको, अब समझ में आ गई बात। तो पहली चीज क्या हुई, रैंडम एक्सपेरिमेंट तुम्हें पता चल गया, अब बायस्ड एक्सपेरिमेंट देखो, बायस्ड का मतलब है कि जो पक्षपात पूर्ण हो, जो एक्सपेरिमेंट में जैसे मान लो माँ के हाथ में दो अमरूद है, एक छोटा भी है बड़ा भी है, उसका बेटा भी खेलते हुए आ गया और उसका भाई दोस्त भी आ गया, बेटे का दोस्त भी, लो बच्चों अमरूद खा लो, अपने बड़े बेटे को बड़ा दिए दे रही है, दूसरे उसके दोस्त को छोटा, ये पक्षपात है, अरे जिस सीधे पकाओ अमरूद, तो वो नहीं कर रही, सब बायसिंग नहीं करनी है, पक्षपात नहीं करना,
मानो जैसे एक गिलास दूध है तो पहले सृष्टि पी लेगी ऊपर वाला मलाई वाला पोच के लो भैया आधा गिलास ऊपर मलाई तैर गई क्योंकि फैट प्रोटीन तो ऊपर ही चला है अब मिल्क प्रोटीन नीचे भाई यही सब तो तंदुरुस्ती का राज होता सो द एक्सपेरिमेंट और भाई पूछेगा तुम्हारे ये कैसे सफेद सफेद लगा है सब बूढ़ी हो गई सुनिए द एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग विच नो अनफेयर मीन इज यूज्ड नो हाँ मतलब अगर हाँ ये बात सही है अनफेयर means are used ठीक है तो उस चीज को क्या कहेंगे biased experiment सच इन सभी में क्या होगा था elementary events are not equally likely जैसे शकुनी का पार्सल तो उसमें क्या होगा in this different elementary outcomes outcomes are not equally likely. Now, what does it means by outcome? Whatever happens during an experiment is called outcome. Whatever happens. अभी समझ में आएगी ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम जो घटना घट जाए किसी एक्सपेरिमेंट में जैसे कमिंग ऑफ थ्री अभी वो लाइन बता रहे हैं कमिंग ऑफ थ्री ड्यूरिंग थ्रोइंग ऑफ डाइस क्या चीज कही कमिंग ऑफ थ्री During throw of dice, dice भी फेंकना तो ऐसे ऐसे फेंक दो ऐसे नहीं छह आने वाला है नहीं कुछ लोग करते हैं चीटिंग इसी तरीके से coming of three during throwing of dice head tail गाने में भी कुछ लोग सिक्का उछालेंगे और देखेंगे उसकी फ्लाइट में ये हेड उतरने वाला लपक गिर जाता क्योंकि वो स्लो मोशन भी पढ़ लेते हैं हेड टेल का नाउ कमिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ कमिंग ऑफ हेड ड्यूरिंग टॉस ऑफ कॉइन इसी तरीके से कमिंग ऑफ जैसे डायमंड तो एस ऑफ डायमंड या किंग ऑफ डायमंड ताश के पत्ते में इन ए पैक ऑफ कार्ड व्हाइल ड्रॉइंग ए कार्ड कमिंग ऑफ ये किंग ऑफ एस एस किंग ऑफ डायमंड इसका मतलब है कि लाल ईंट का बादशाह किंग ऑफ ड्यूरिंग अभी सब बता देंगे ड्यूरिंग पिकिंग अप बात ना करो ड्यूरिंग पिकिंग अप ए कार्ड या ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स फ्रॉम डेक भी बोल सकते हैं या पैक ऑफ कार्ड्स तो ये सारे कैसे एक्सपेरिमेंट हैं ये सारे जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ तो उनमें कुछ ना कुछ आउटकम होगा इसी तरीके से विनिंग ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच तो वो भी एक आउटकम हुआ कि नहीं इंडिया विंस पाकिस्तान के मैच ये देख लो मान लो ज्यादा बेटर इंडिया विंस
ड्यूरिंग ओडीआई मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है कि नहीं? ये देखो, अब आगे की बात देखे, तुम्हें आउटकम के बारे में समझ में आ गया? कुछ भी हो रहा है तो उससे जो रिजल्ट निकले उसे क्या कहेंगे? आउटकम। देखिए कि इफ आउटकम इज इन फेवर ऑफ एक्सपेरिमेंटर और सम अदर पर्सन, हम ये जरूरी नहीं हम तो एक्सपेरिमेंटर है या हमने सट्टा लगाया या हम कुछ सोच कर बैठे हैं, तो इन द फेवर ऑफ ए पर्सन देन इट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम, इफ इट इज नॉट इन फेवर देन इट इज नॉट फेवरेबल। सो फेवरेबल आउटकम क्या होता है? इफ आउटकम इज इन फेवर, ड्यूरिंग में देखो पिकिंग आना चाहिए, हाँ उसे ठीक करेंगे, एक्सपेरिमेंटर और ए पर्सन, अगर आउटकम किसी के फेवर में है तो उसे क्या कहेंगे? फेवरेबल आउटकम। अब जरा देखो, मान लीजिए एक लूडो के गेम में कोई सोचता है कि अगर मेरा चार या चार से नीचे आ जाए तो मैं क्या करूंगा, किसी की गोटी पीट दूंगा या यहाँ चला जाऊंगा, ऐसा होता है नहीं? तो वो सोच रहा है कि फोर या फोर से नीचे आए, कहेगा चार आएगा तो होम चला जाऊंगा, तीन पे गोटी पीट दूंगा, एक कौआ आएगा तो खुल जाएगी, पाओ वन तो गोटी खुल जाएगी, छह पे खोल सुन लें। तो इस तरीके से उसने बहुत सारी चीजें सोच रखी और एक वहां सीधा साधा बैठा है, वो बोलता है चार आए तो अंदर चले जाए, वो सोच ही नहीं पा रहा कि गोटी भी पीटना है। तो अब उसके लिए वो जो आउटकम है वो आउटकम का एक कंपाउंड इवेंट है और एक है सिंपल इवेंट। वो सोचता है बस चार आए और कहता है एक आए दो आए चार, या कुछ वो मन में सोच के बैठा, दो आ जाए या चार आ जाए तीन आ जाए, तीन सोच बैठा, तो उस चीज को कहते हैं कंपाउंड इवेंट। और जिसके मन में इफ सम एक्सपेरिमेंटर प्रिफर्स ओनली वन आउटकम, जिसके अंदर जो आउटकम्स हैं उनमें एक ही मेंबर है तो उसके लिस्ट में, ठीक है कि नहीं, एलिमेंट, तो उसे कहेंगे एलिमेंट्री आउटकम। अब जरा देखो, तुम्हें आउटकम का मतलब तो समझ में आ गया ना, फेवरेबल आउटकम यदि तुम्हारे हित में है। अब ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट हैज हैपेंड, जो हो गया वही इवेंट कही जाएगी। किसी मैच में कुछ हो गया, टाई हो गया तो वो इवेंट है, कोई जीत गया तो वो क्या कहलाई जाती है? इवेंट। इवेंट जो भी हुई है, अगर इफ इवेंट इज फेवरेबल टू एक्सपेरिमेंटर देन उसे फेवरेबल इवेंट कहेंगे, यदि वो किसी के फेवर में है तो आउटकम और इवेंट एक ही चीज। हाँ भाई, ये इवेंट भी है। देखो इवेंट का मतलब जो घटना घटी, ठीक है, yes, समझ में आ रही बात कि नहीं? वॉट एवर हैपेंड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, जो हो गया, बारिश हो गई, मैच टाई हो गया, रे अबंडेंड हो गया, या कुछ भी हुआ है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, तो उसे क्या कहेंगे? इवेंट। ये किसी की कास्ट भी हो सकती है, हमारे एक JWO घटना घटी थे इवेंट। वॉट, सुनिए, वॉट एवर लगाइए, अगर लगाना है तो लगाइए, वॉट एवर हैपेंस, जो भी हैपन होता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ए मैच इफ ए मैच टाइज अबंडेंट, रेन की वजह से क्या हो जाए? अबंडेंट हो जाए, ओडीआई। ड्यूरिंग ए मैच इफ, समझ लीजिए, टीम ए विंस, एनी टीम विंस, दूसरा टाई और तीसरा
अबंडेंट हो जाए तो देन इट इज एन इवेंट, तो उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड इवेंट. सैंपल स्पेस, ध्यान से करिएगा कितनी चीजें बता रहे हैं, थोड़ा तो अभी एलिमेंट्री आउटकम बताएंगे, प्रोबेबिलिटी में ही नंबर कटते हैं जो दो चार कटते हैं और कहीं पूरी मैथ में नहीं कटते, यही सबसे टिपिकल है. तो प्रोबेबिलिटी ध्यान से पढ़ो, जो लेखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर. चल सो दैट इज सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस. ठीक है, तो इसमें सेट होता है, तो सेट ऑफ इवेंट्स, जैसे एस इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या ये दीज आर द लिस्ट ऑफ आउटकम्स है ड्यूरिंग थ्रो ऑफ डाइस? इज द सैंपल स्पेस ड्यूरिंग थ्रो ऑफ डाइस को थ्रो किया जाता है, कॉइन ये कॉइन को टॉस किया जाएगा और कार्ड को ड्रॉ किया जाएगा. अब यहां पर ये सब क्या है? दीज आर इस ये पूरा सेट है. सैंपल स्पेस खुद में क्या है? एक सेट है और जिसमें ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा और डिफरेंट आउटकम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. तो ये क्या हो गया? दैट इज सैंपल स्पेस एक सेट है और ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही लिखा जाएगा और डिफरेंट आउटकम्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा. तो अगर आपसे पूछा जाए सैंपल स्पेस ड्यूरिंग टॉस ऑफ ए कॉइन करो तब क्या कहा जाएगा? सो सैंपल स्पेस ड्यूरिंग टॉस ऑफ अ कॉइन, तो इसके लिए लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू हेड कॉमा. ये कह दिया जाए सैंपल स्पेस ड्यूरिंग टॉस ऑफ टू डिस्टिंक्ट कॉइन, एक 5 का सिक्का उछाल दिया और एक 10 का, तो बोलो दोनों में क्या क्या आ सकता है? या दोनों में हेड हेड भी आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए और ये दोनों में टेल टेल आ जाए. कितनी बात समझ आ गई? अच्छा तो इसमें एनएस क्या हुआ बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस बताइए. एनएस इस वाली तो दैट इज 4 हो गया कि नहीं? समझ में आ गई बात कि किसी में सैंपल स्पेस हम निकाल रहे हैं. अगर आपसे पूछा जाए कमिंग ऑफ टू हेड तो क्या होगा? अब हम देखेंगे कि इसमें एक जो मेरा कहने का मतलब है ये जो इसके अंदर है सैंपल स्पेस में इन सब को कहते हैं सैंपल पॉइंट. क्या कहेंगे? सैंपल पॉइंट. अब देखो समझ में आ गई? तो एक बात बताओ कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है? आहाना. क्योंकि तुम ही बता सकती हो. ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट या एलिमेंट्री आउटकम क्या होता है? मतलब दैट आउटकम विच कंटेन्स ओनली वन सैंपल पॉइंट. कोई सोचता है दोनों में हेड आ जाए या कोई कहता है कि 3 आ जाए, एक सैंपल पॉइंट. सीधा साधा बच्चा लूडो खेल रहा है, एक ही पॉइंट सोचा, और कोई चालाक हो
तो थ्री भी सोच के बैठा है, फाइव भी सोच के बैठा है, सिर्फ ये तीन तीन आ जाएंगे तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, वो कंपाउंड इवेंट। और ये कौन सी होती है? तो अभी जो अर्पिता ने पूछा कि सर इक्वली लाइकली, में आपने कहा कि देयर आर इक्वल चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, तो क्या ये सब एलिमेंट्री इवेंट्स हैं? अगर अलग अलग ली जाए, वन का आना, टू का आना, थ्री का आना, फोर का आना, फाइव का आना, सिक्स का आना, तो अगर एक फेयर डाई है तुम्हारे पास जिसमें किसी भी तरीके की टेम्परिंग नहीं की गई है, डिस्टॉर्शन नहीं किया गया है, या कोई भी हमने उसमें कुछ गड़बड़ नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में वन के आने के कितने चांस होंगे? क्या टू के आने के भी यही होंगे? थ्री के आने के भी? तो ये सभी जो इवेंट्स होंगी ये इक्वली लाइकली हैं, और ऐसे डाइस को अगर हम फेंकें तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे? भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। और वो जो वो सारी इवेंट्स हैं उन सारी इवेंट्स को क्या कहेंगे? सारी इवेंट्स को एलिमेंट्री इवेंट्स कहेंगे। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं? इक्वली लाइक। समझ आ गई? तो पहले हम रैंडम एक ही चीज है, जो अगर जो हो गया तो वो जो हो गया वो इवेंट है, और वो आउटकम है वो जो हो सकता है। ये इसका आउटकम हो सकता है। आउटकम का क्या मतलब है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और जो आया है वो क्या हो गई? वॉट एवर अकर्स ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। तो जो आ गई वो हमारे फेवर में भी हो सकती है या फिर हमारे फेवर में नहीं भी हो सकती। तो वॉट इज एलिमेंट्री इवेंट? ठीक है, दैट इज आउटकम। सो इट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट। एवरेज जो भी है एलिमेंट्री आउटकम या एलिमेंट्री इवेंट क्या है कि जिसमें इट हैज ओनली वन पॉसिबल आउटकम। आप आउटकम लिख लें कोई बात नहीं है, ये इन वेरिएबली यूज किए जाते हैं। तो जैसे हम कुछ सोचते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो कुछ होप करता है कि ये आना चाहिए, फोर से नीचे आ जाए, फोर से ऊपर आ जाए, दो हेड आ जाए, एट मोस्ट टू हेड हो जाए। तो ये सब क्या होती हैं? इन सबको इवेंट बोला जाता है। आगे के 11 टर्म सब जगह इवेंट बोली जाती है। तो तुम किस किस इवेंट के बारे में सोचो? अगर वो आ गया तो कहोगे यस इवेंट हैज अकर्ड हैपेंड, और नहीं आया अरे घटना घटी नहीं। जो तुमने सोचा है उनमें से कुछ भी आ जाए, आएगा तो एक ही, तो तुम कहते ना इवेंट हो गई, और ना आए तो इवेंट नहीं। आउटकम की ये कंडीशन है कि एक्सपेरिमेंट अपने पक्ष में सोचता है। सो वॉट एवर द इज द होप ऑफ एक्सपेरिमेंटर इफ इट हैज हैपेंड इन फेवर ऑफ प्रयोगकर्ता के पक्ष में निर्णय आ जाए तो वो कहेगा कि इवेंट हैज, ये कहा जाएगा इन फेवर ऑफ मी, या ये भी कहा जाएगा फेवरेबल आउटकम। उसके बारे में ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं, ये बीएससी तक के लेवल में बहुत अंतर नहीं है। आप इवेंट और आउटकम को इनवेरिएबली यूज करो। समझ में आई बात की नहीं? बीएससी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप ये ना सोचो इवेंट और आउटकम अलग अलग है। तो इनको अगर पूछा गया एलिमेंट्री आउटकम या एलिमेंट्री इवेंट तो एक ही बात है। इसको क्या लिखा गया है आगे की क्लासेस में भी क्या लिखा गया है? एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है? दैट इवेंट विच हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, जिसमें क्या हो जैसे ये कहें चांस ऑफ अकरेंस ऑफ वन इज एलिमेंट्री। तो हाँ अभी बता रहा हूं, सो दैट इवेंट विच हैज ओनली, जिसमें क्या हो ओनली वन सैंपल पॉइंट। अब जरा देखो एक इवेंट ई है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड, अभी इससे सही हो जाएगा, एज ई। ई क्या है? कमिंग ऑफ थ्री। तो इसका ये कैसे बनेगा बताओ? दैट इज थ्री आ जाए। समझ आ गया कि नहीं? ड्यूरिंग थ्रो ऑफ दाइस, तो इसका सैंपल, इसमें कितने सैंपल पॉइंट है? यहां देखो लिखा है ना सैंपल पॉइंट। अच्छा अब ई तुम्हें पता चल गया? अब जरा देखो इसका सैंपल स्पेस क्या है? एस, क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स? अच्छा
ये बात समझ में आ गई। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ किसका आना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने इसमें फेवरेबल है आपके, वैसे तो 6 आउटकम है लेकिन आप किसकी इच्छा करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसको देखो, इसको कहेंगे कैपिटल पी और ई। क्या कमिंग ऑफ थ्री को मैंने ई लिखा है, अच्छा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को एन ई लिखो, और इसको क्या लिखो एनएस, हमने कहीं एनएस का यूज किया है, और एन ई यहां बताओ जरा एन ई कितना है, तो जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो, तो अब यहां जरा वैल्यू डालो 1/6, तो 1/6 तो कमिंग ऑफ थ्री 1/6 है, एलिमेंट्री इवेंट समझ में आ गई बात कि नहीं। अच्छा बताओ कि जैसे किसी ने बायस्ड एक्सपेरिमेंट किया या अनफेयर मीनिंग का एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या उसमें भी एलिमेंट्री इवेंट हो सकती है, हो सकती है, बस उसके आने के चांस बहुत ज्यादा होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे। मान लो शकुनी का पासा उछालो 2 कभी भी नहीं आएगा, तो एलिमेंट्री इवेंट तो सिर्फ एक सैंपल पॉइंट को सोचना हुआ, आए या ना आए वो तो प्रोबेबिलिटी अलग बात है ना। अब जैसे कि और कोई एक एलिमेंट्री इवेंट का उदाहरण दो नेहा, होपिंग हेड ड्यूरिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन, होपिंग 3 था, ऐसे क्या करो होपिंग हेड। अगर मैं ये कहूं कि कंपाउंड इवेंट, तो कंपाउंड इवेंट क्या होगी, इफ इवेंट हैज More than one sample point. If मतलब number pairs में अभी बता रहा हूँ, has more than one sample points. जरा देखो during toss of two coins एक e सोच के बैठा है कि at least 2 heads, और F सोच के बैठा है not more than 2 heads, और G सोच के बैठा है, E से शुरू करते हैं EFG events का नाम, ठीक है, that is at most 1 10, ये सब अलग अलग सोच रहे हैं, एट मोस्ट 1 10, बात समझ में आ गया कि नहीं। तो अब हम पहले इनको इंटरप्रेट करेंगे, जरा सुप्रिया बताओ इसमें कौन कौन से लिखे, वो है हमारा सैंपल स्पेस, वो कह रहा है एट लीस्ट 2 हेड आने चाहिए, तो क्या लिखे, अच्छा एक ही लिखते हैं, तो ये जो उसकी इवेंट सोची जा रही है ई को आप क्या कहेंगे, एलिमेंट्री या कंपाउंड, कैसे इन्होंने बताया, क्योंकि सिर्फ एक ही एक पॉइंट आया इसीलिए तो एलिमेंट्री बताया, तो लिखो एलिमेंट्री इवेंट। अच्छा अब फाइव का अगले को बताओ, ये बहुत अच्छा, नेहा बताओ चारों दो सिक्का फेंक रहा है, कह रहा है भगवान करे 2 हेड से ज्यादा ना आए, वो मन में यही सोच रहा है, उसकी जान इसी में निकली जा रही है, एक पासा फेंका कहीं 7 से ऊपर ना आ जाए, हम तो बेकार में हम हार जाएंगे, इसमें आएंगे नहीं तुम, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, भगवान करे ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, कहां से जीतेगा, अरे जो खेलेगा तो वो जीतेगा हारेगा, खेल ही नहीं रहा वो बेकारी में सोच रहा है। तो इसमें क्या लिखे नेहा, तो हेड टेल वो सब सट्टे लगाते हैं, सट्टेबाजी में पैसा चलता है, वो सबको जिताते हैं, तो एट मोस्ट 1 tail, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 tail, उसने कहा ज्यादा से ज्यादा 1 ही tail एट मोस्ट, तो क्या आ जाएगा एच 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 एट मोस्ट 1 tail, यानी 0 tail भी चलेगा और 1 tail भी, एच टी टी एच 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 डी एच और एच टी
बात समझ में आ गई? और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी अंशिका बताओ पहले वाले की। ठीक है, कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन बताओ। द इवेंट व्हिच हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट आउटकम। एलिमेंट्री इवेंट, द इवेंट व्हिच हैज ओनली वन आउटकम, पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री। इक्वली लाइकली इवेंट्स, द आउटकम व्हिच आर पॉसिबल इक्वली, मतलब व्हिच आर हैविंग सेम चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेम प्रोबेबिलिटी। द आउटकम व्हिच हैज सेम चांस ऑफ सेम प्रोबेबिलिटी या सेम चांस ऑफ अकरेंस। द आउटकम्स व्हिच हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस आर कॉल्ड इक्वली लाइकली। प्रोबेबिलिटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इवेंट, इवेंट व्हाटएवर हैपेंड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। Okay, random experiment. Random experiment. Srishti. Experiment during which we cannot predict the outcome. What are the features of random experiments? There should be no use of unfair means. There should be more than one possible outcomes. And all the possibility of all outcomes should be equally likely. अभी देखो वहीं पे पूछा था कहाँ गर्ल बड़ी करी बता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल, वहीं तुमने पूछा था ऑल एलिमेंट्री आउटकम्स, एलिमेंट्री। अब ये ऐसे ऐसे अलग अलग पूछने लग जाए, सबके 1/4 है, लेकिन कंपाउंड इवेंट लेके बैठ जाओगे तो क्या सबके 1/4 होंगे? अलग अलग सैंपल पॉइंट की देखो, ये नहीं कि एक का 4 का देख रहे हैं का 2 का। समझ में आ गई? रेंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन बताइए। All elementary outcomes are in advance. Or, there is no use of any actual. Biased experiment. इसमें क्या किया जाता है? टू मेक द आउटकम इन फेवर ऑफ एक्सपेरिमेंटर, तो उसे क्या कहेंगे? बायस्ड एक्सपेरिमेंट। तुमने अच्छी बात कही है। सो हम लोगों ने एलिमेंट्री में एक लगी है, किस तरीके की है? मोर देन नॉट मोर देन टू हेड्स, बताओ एलिमेंट्री है या कंपाउंड? ये दैट इज एक से ज्यादा जिसमें सैंपल पॉइंट है। ऊपर लिखा नहीं, यहां से तुमने नहीं पढ़ा, कहां तक लिखा था? तुम इतना छोटा लिखते हो कि खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो। कंपाउंड इतनी बात समझ आ गई? तो अच्छा बताओ कि श्योर इवेंट क्या होती है? द इवेंट विच ऑलवेज हैपन, ठीक है? श्योर इवेंट जो घटना हमेशा घटे, द इवेंट ऐसी बात नहीं है, विच ऑलवेज हैपन्स। कहने का मतलब एक डाइस फेंकी जा रही है और एक लूडो खेलने वाला कह रहा है भगवान कहीं 6 से ऊपर ना आए, भगवान मैं 5 चढ़ाऊंगा, लड्डू चढ़ा दूंगा, तो क्या उसके मन की मुराद पूरी होगी कि कभी भी नहीं पूरी होगी? पूरी होगी। और एक बोल रहा है 7 आ जाता तो आज पीट दे, तुम क्या पीटोगे भगवान, तुम्हें पीट दे। तो बताओ वो इवेंट क्या होगी जो सोच रहा है 7 आता तो पीट देता उसकी गोदी? So that is not sure event. बताओ, impossible event. Impossible. एक sure event होती है और impossible event की definition बताओ सृष्टि। Event which never happens. Never happens. जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में पाकिस्तान को कोई जिता रहा नहीं पाएगा, टॉस फेंक रहा है,
मतलब ये टॉसिंग कर रहा है पॉइंट की और सोचा चार आ जाता तो चार आ ही नहीं सकता. सो दैट इज द इवेंट विच ऑलवेज हैपन दैट इज कमिंग ऑफ लेस देन सेवन ड्यूरिंग थ्रो ऑफ डाइस. तो क्या हो जाएगा उसके मन का इवेंट क्या मानी है नया डाइस इन्वेंट कर दो. कमिंग ऑफ लेस देन सेवन ड्यूरिंग थ्रो ऑफ डाइस. तो इस चीज में ड्यूस क्या फीचर होते हैं श्योर इवेंट्स में ये बता सकती हैं. ये करेक्ट outcomes equally likely नहीं. ये देखो बता दिया सर इसमें outcomes ही नहीं होंगे अगर ये impossible event है. पूरा बता दिया. ये भी बता दें कि the list of outcomes is same as sample point. कितनी बड़ी बात दुवांशी ने आज बता दी सबको कि it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब तो क्या यही sample point भी हो गया. जब जब कोई इवेंट में उतने ही आउटकम्स हुए या सैंपल पॉइंट्स हुए जितने सैंपल सैंपल स्पेस में होते हैं. सैंपल स्पेस में भी यही छह थे और तुम ये सोच के बैठो भगवान करे आज बारिश हो जाए या ना हो भगवान करे पूरी होगी. वो कह रहा हो जाए या ना हो तीसरी क्या चीज हो सकती है बताओ. इतना उदार सो जेनरस द पर्सन इज. सो ऐसी स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हुआ बताइए. Any upon तो ये कितना हुआ बताओ 6/6 क्योंकि इसके मन का भी 6 है और सैंपल स्पेस में भी 6 है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होगा इज यूनिटी. क्या लिखोगे हमेशा 1 होगा. वो क्यों बिकॉज ये देख लो यही तो तुमने श्योर कहा था थोड़ी देर पहले. ये वाला समझ अभी समझो जो कह रहा है कि दो से ज्यादा है ना दो ही सिक्के उछाले जा रहे हैं तो उसके मन की मुराद पूरी होगी. वो ये सोच के जो हमेशा हो जो घटना हमेशा घटे यानी तुमने ऐसी कोई चीज सोची हो वही हो जाए. और ये तुमने अगर डाइस फेंकी है और तुम कहो 0 से ज्यादा आ जाए तो आ जाएगा. तुम अगर डाइस फेंको कह दो हेड या टेल आए तो आ जाएगा. समझ में आई बात की नहीं. तो जो तुम्हारा ई का बने सेट ये एक सेट है वही सैंपल स्पेस का सेट हो. इफ ई इज इक्वल टू एस देन The event is a sure event. If E किसके इक्वल हो जाए S, E contains same number of sample point as the sample space contains. E में उतने ही sample point होते हो जितने की समझ आ गई बात की नहीं. Then event is sure. और इसकी probability पीयूष क्या होगी. Yes. Its probability is unity. इसकी contrary कौन सी event है? Impossible event. That is असंभव घटना. Impossible event plus sure event. तो फिर इसकी definition भी बताइए पीयूष. The event which never happens. हाँ. That is PE. Impossible. PE dash है ना? वो कुछ नहीं होता अपने मन से फिर वो गड़बड़ मत करो. अभी मैंने बताया नहीं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप पूरा घटना के बारे में आ गए है ना पहले से क्यों चलो. दैट इज इम्पॉसिबल द इवेंट विच नेवर यूनिटी. ये सिर्फ ईशान बता सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के परस्पर अपवर्जी घटनाओं के बारे में आप बातें कर रहे हैं और वे घटना ईशान को 9th में पढ़ाई चाह चुकी. वो ईशान अवस्थी है तुम लोग क्या पता. देख लो वन लिखा कि नहीं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन नहीं है. यूनिटी यूनिटी का मतलब व्हेन यूनिट मास इज एक्सेलरेटेड बाय समझ में आया यूनिट एक्सेलरेशन देन द फोर्स अप्लाइड इज यूनिटी. 1 न्यूटन की यही डेफिनेशन तो देती थी 9th में. आजकल की बात है कोई बहुत पुराना नहीं बात. बोलो इतना तो परसीव कर सकती हूँ कि भूतकाल में जाना होगा. भूतकाल में तो नहीं जाना पड़ेगा ना. ये देखो सुन ले द
द इवेंट विच नेवर हैपेंस विच उसको क्या कहेंगे इम्पॉसिबल. तो जैसे कि एक्सपेक्टिंग ठीक है मोर देन सेवन ड्यूरिंग थ्रू ऑफ टाइम कभी आई नहीं. सो एक इवेंट ले लो ई मोर देन सेवन एक्सपेक्टिंग नहीं लिखा जाता बस ऐसे लिखा जाता मोर देन सेवन ड्यूरिंग थ्रू ऑफ डाइज. तो थ्रो ऑफ डाइज अच्छा ऐसी स्थिति में जो इसका सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा. इस ये खाली सेट है इसमें कोई नंबर नहीं है. जीरो तो जीरो जीरो आ जाएगा. जीरो सैंपल स्पेस का पॉइंट ही नहीं है. एम्प्टी स्पेस. अच्छा इसमें एनी क्या हुआ बोलो कुछ है नहीं तो जीरो. और एनएस बोलो पीयूष इतना डिले कर रहा है एनएस भी जीरो बता दिए. इन्होंने इनको डाइस ला के देनी पड़ेगी नहीं तो बेचारे कैसे सीखे नहीं गरीब घर के होंगे. अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई जरूर लिखना ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है या ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है. ये अगर तुम ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो फाइन लिखो. तुम्हें ये ठीक लग रहा है किसी एक का चुनाव कर लो. थ्रो ऑफ डाई यहाँ लिखा एक डाई एक पासा फेंकोगी तो क्या क्या आने के चांस है. चलो मैं अभी लिख देता हूँ वो कोई बात नहीं है. कभी डिनोमिनेटर में जीरो आ सकता है क्या ये बात समझ आ गई. तो बोलो पी को क्या लिखेंगे एन ई एन एस. सो दैट इज जीरो बाई सिक्स तो कितना आ गया जीरो समझ में आ गया. दैट इज ड्यूरिंग कोई भी ऐसी इवेंट जो इम्पॉसिबल है जैसे मोर देन सेवन या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में पाकिस्तान के बारे में सोचना ये सब ऐसी है. आगे देखिए नाउ ये तो आपने देख लिया ये एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी है इसके होने के चांस जीरो है और इसके होने के चांस वन है. तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीरो तो किसी भी घटना के घटने के चांस या जीरो से ऊपर होंगे और वन से. क्या प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव हो सकती है क्या किसी की प्रोबेबिलिटी 1.1 हो सकती है. कोई कह दे 110% सही बता रहे घटना हो तो गलत कह रहा है 110% हो ही नहीं सकती. तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस ये किसकी प्रोबेबिलिटी है इम्पॉसिबल इवेंट और ये किसकी है श्योर इवेंट. सो द प्रोबेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम जीरो टू यूनिटी कहां से कहां तक चलेगी देखो प्रोबेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम जीरो टू यूनिटी. अब ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देखो सृष्टि ने बता दिया कि नहीं उसको आता है मैंने नहीं पता कुछ. अच्छा कोई बात नहीं अब बता दे पूरा घटना है हिंदी से ज्यादा समझ आ जाता है क्योंकि सही बोलो यहाँ तक ठीक था ये देखो बता दिया पूरा देखो सही है. कॉम्प्लीमेंट्री इफ वन इवेंट डज नॉट अकर अदर श्योरली अकर्स. देख लो ई है कोई पासे में सोच के बैठा है कि लेस देन थ्री और एफ दैट इज मोर देन थ्री. तो सौम्या
क्योंकि E और F क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हुई? हाँ। क्योंकि हम नहीं जानते इनके दिमाग में जोर पड़े। हाँ वो भी चुप रहे भी तो हो सकता है। वो लोगों की तो गड़बड़ हो जाएगी। और मोर देन थ्री तो फोर फाइव सिक्स। तो अगर किस कोई कह रहे मेरा वन टू नहीं आया तो ये नहीं हुई तो क्या ये सो ये खुश ढोल नताशे बचाने लगे अरे मेरा तो आ गया फ्री भी तो आ सकता। एक के ना होने से दूसरे का अवश्य होना होता हो तब वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये वाला नहीं है। तो ये तो नहीं है ना। तो ये लेस देन थ्री है मुझे इसे क्या कर देना चाहिए? मोर देन और इक्वल। मोर देन और इक्वल टू या ये कह सकते हैं मोर देन टू तो लेस देन और इक्वल टू उसके साथ कुछ भी करो। अब ये देखो ये अब थ्री भी आ गया ना मोर देन टू में तो E और F क्या हुई बताइए कॉम्प्लीमेंट्री। अगर E नहीं हुआ तो F अवश्य होगा क्या? क्या रेनिंग एंड नॉट रेनिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स? या तो बारिश होगी या नहीं होगी यानी एक इनमें से। तो जो इवेंट हो और जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो उसको ये कह सकते हैं और कई बार इसको E बार भी कह सकते हैं जैसा कि ध्रुवांशी ने थोड़ी देर पहले डिक्लेयर कर दिया था। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि पीई के क्या चांस हैं अकर करने के? बोलो यहाँ से देख के बताइए। पहले वैल्यू प्लेस की जाती है ऐसे नहीं कर सकते हैं और बताइए पीई बार के क्या चांस हैं? 4/6 दैट इज पीई बार और अपॉन पीएस। तो ई पीई बार इसमें बताओ एन एन के रखो तो बताओ एनी बार में कितने सदस्य हैं सैंपल पॉइंट और इसमें तो क्या 2/3 है। अच्छा पीई प्लस पीई बार क्या हो गया? द इवेंट द सम ऑफ एनी इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज यूनिटी दैट इज 1/3 प्लस 2/3 दैट इज 3/3 और दैट इज 1। तो क्या लिखे बताइए दैट इज ये देखो पीई और प्लस पीई बार तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण आपके में डिडक्शन है आपकी बुक का नाइन्थ में भी था अभी भी है द सम। इस सेंटेंस को सुप्रिया बोलो काफी देर से क्लास में हाँ बोलो हाँ दिव्यांगी उतारने में ही लगी हो एंगल होता है एनी इवेंट बोली नहीं एनी इवेंट कहाँ बोला अरे एंगल और एनी इवेंट कहाँ बोला भाई बोलो हम तो तमिल बोलना चाहते थे बंगाली पता नहीं कैसे इज यूनिटी। अच्छा बताओ अगर ई कह रहा है कि कमिंग ऑफ ऑड नंबर ड्यूरिंग थ्रो ऑफ डाइस और एफ कह रहा है दैट इज कमिंग ऑफ इवेंट नंबर तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है? कमिंग ऑफ इवेंट नंबर तो आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये कैसी हैं? अच्छा कितनी बात समझ आ गई? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में ये देखो क्वेश्चन दिया जा रहा है इफ चांस ऑफ रेनिंग इज 0.1 देन फाइंड चांस ऑफ सनी डे। So that is आप ये P raining और plus P not raining तो ये हमारे पास ये नियम है कि नहीं? तो ये भी कहा जा सकता है कि PE जहां पे E को क्या माना गया है raining और plus P E bar
ये वन है, इसकी वैल्यू क्या रखी जाए? रोमिल तुम तो घटिया प्रश्न भी नहीं बताते हो, तुमको कोई चांस दिया जाता तुम छोड़ ही देते बड़ी आसानी से। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन बताओ। बताइए बताइए भाई, पापा ने 14,000 दिए, आपने 14 लाख दिखा दिए, 1,000 पे एक नंबर ले आए हो। नाउ व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? कभी से तो क्लास में हो गए, मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ, कभी तो रहे हो, अभी नींद में हो, मुझे मालूम है सो रहे थे, लेकिन वहां पे तो जाग रहे होंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट शुरुआती बात है, वो बता दो, तीन बच्चों से रिपीट करवा चुके हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, यस, द आउटकम इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, द आउटकम ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इफ कॉम्प्लीमेंट्री, इफ द अदर श्योरली इवेंट, भाई ऐसी कोई बात नहीं होगी मनीष। If one event do not occur, others surely. Repeat करो। If one event which occurs, which pass occur कर जाएगी, बोलो। If one event, कहीं और repeat कर रहा है तब बोल रहा है, एक बार में नहीं आ रहा। If one event does not occur, then others surely occur. ठीक है, तो अब यहाँ पर PE की वैल्यू क्या रखें आना? 0.1, तो chance of not raining क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.9। अगर कोई ये कह रहा है कि लेस देन 3 आए और कोई कह रहा है मोर देन 3, तो इस तरीके की इवेंट्स क्या होंगी? नॉन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगी, ये होंगी, अभी ये बताई थी कि नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जान दो हर चीज को, तुम्हारी एक साथी बता रही हो, तुम ऐसे बोल रही हो, चलो परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या कहा गया बताइए? इफ टू इवेंट्स विच कैन नेवर अकर टुगेदर, दो घटनाएं एक साथ घट ही ना सके, एक सोच के बैठा है कि कमिंग ऑफ 1-2 और एक सोच के बैठा है कि कमिंग ऑफ 3-4-5, तो क्या इन दोनों का जो लूडो में एक साथ कोई साथ आ सकता है कि नहीं आ सकता? सो दीज टू कैन नेवर, अगर इस, ये इसके मन का आता है तो इसके मन का नहीं आता, ठीक है कि नहीं? सो द टू इवेंट्स विच नेवर अकर टुगेदर, क्या तुम्हारे मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि सभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होती है? बहुत अच्छा, जैसा कि इन्होंने कहा कि कमिंग ऑफ ऑड नंबर, क्यों इन्होंने कहा? क्योंकि अब इसमें ऑड नंबर में क्या आया, तो और वैसा ही मनीष ने भी बताया, वन इवेंट अकर्स देन अदर नेवर अकर्स, तो ये देखो 2-4-6 दोनों में ध्यान दो, कंपेयर करा रहा हूं, तो क्या इसमें भी वही चीज है? एक अगर होती है तो दूसरी नहीं होती, और एक किन्ना होने से दूसरी होती, यही तो कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट्री की। मान लीजिए ये नहीं हुई तो दूसरी अवश्य होगी, देन अदर श्योरली अकर्स, क्या लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की हमने लिखा ही डेफिनेशन की नहीं, देन अदर श्योरली अकर्स। अच्छा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है? बस सिर्फ बोथ कैन नॉट अगर टुगेदर, उसमें तो ये पूरे सैंपल स्पेस को ईट कर जाती है, खा जाती, वो खा नहीं पाती, इन दोनों का सम कर दो तो सैंपल स्पेस आ गया, और वो क्या है, समझ आया? अगर दोनों ही कंडीशन हो, इफ दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, समझ नहीं आ रहा, समझो चीजों को, इन दोनों को अगर जोड़ दो तो क्या 1-6 पूरे सैंपल पॉइंट्स आ गए? तो इन्होंने पूरा सैंपल स्पेस खा लिया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं? क्योंकि ये पूरी प्रोबेबिलिटी को कवर करती हैं, 1, 3 और 5, और क्या था 2, 4, 6, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या वे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? अगर एक नहीं होती तो दूसरी अवश्य होती है, आर दे कैन दे कंज्यूम द कंप्लीट सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को भी खा गई, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दो फीचर, पहली बात ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो मैंने अलग से बताया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या डेफिनेशन है? टू इवेंट्स
फिर तुम ये बताओ कि तुम्हारा पास होना और फाइका का पास होना क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। दोनों भी पास हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि है ना दोनों, ये नहीं कि अरे अब तो ये फाइका पास हो गई अब तो अर्पिता नहीं हो पाएगी, ऐसा हो पाएगा? तो इवेंट जो कभी एक साथ ना हो उसे क्या कहेंगे बताइए? मतलब ये दोनों, अगर डाइस में ई के मन का डाइस आ गया तो क्या एफ का आया होगा कि नहीं आया होगा? दो घटनाएं जो एक साथ कभी घटित ना हो, समझ में आया? एक हेड मांग रहा है, एक टेल मांग रहा है, तो हेड आ गया तो इसका मतलब भी टेल नहीं आया। एक के टू इवेंट्स विच कैन नॉट, देखो दो चीजें हैं कि यहां तक समझ में आ गई। अब एक और देखो, एक जी देखो ये सोच रहा है मैं सब इवन इवन नंबर आ जाए मेरा काम हो जाए, तो बताओ एफ और जी क्या दोनों एक लूडो की गोटी इन दोनों को एक साथ खुश कर सकती है? क्योंकि फोर आ गया, इनका मन है मिठाई खाने का, इनका मन है रसगुल्ला, रसगुल्ला खा लो दोनों का मन पूरा। तो ऐसी चीज बाजार में जा रहे हैं, उनका खट्टा खाने का, उनका नमकीन, चलो आलू की चाट खाई जाए दोनों का ही मन का हो गया, और एक मीठा खाना चाहता है और एक कड़वा, फिर नहीं हो पाएगा। समझ आई बात की नहीं? यानी आप ये देखो टू इवेंट्स, दो घटनाएं देखिए, ये आपस में क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये क्या है टू इवेंट्स विच कैन अकर टूगेदर आर कॉल्ड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो समझ में आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब है कि जो साथ में नहीं घट सकता, बस इतना ही समझना। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है, तो इनमें बताओ कौन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? टू इवेंट्स विच नेवर अकर टूगेदर, नेवर अकर टूगेदर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और देख लो इतनी बात समझ आ गई, ई है न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी इज बॉय, और एफ क्या है गर्ल, न्यू बॉर्न बेबी इज गर्ल, और जी क्या है न्यू बॉर्न बेबी इज ब्लैक। अरे अफ्रीका ने नीग्रो काला बच्चा पैदा किया है, कहेगा कि नहीं? तो अब क्या ये बताओ कि ये दोनों घटना एक साथ होगी, लड़का भी हो गया मेरे यहाँ, एक ही बच्चा पैदा हुआ है, लड़का भी कितना अच्छा लग रहा है, नहीं हो पाए एक ही बच्चा पैदा हुआ, न्यू बॉर्न बेबी, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। ट्रांसजेंडर है अब वैसा हो जाता, लेकिन ऐसा मान नहीं रहे, लेकिन ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जबकि ई जी के साथ और एफ जी के साथ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ में आए कि नहीं? दो घटना जो दो घटना ये दोनों तो साथ हो सकती है ना, सो ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और बोलो ई एंड जी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और बोलो एफ एंड जी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा अब इस सेंटेंस को पूरा करो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर, ये शिक्षा पूरा करो। प्रॉब्लम पूरी बात इन्होंने कही, हमने तो एक पूछा था, इन्होंने तो दोनों बता दिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, पूरा सिंपल स्पेस ही एग्जॉस्ट कर दिया, आ गया एग्जॉस्ट कर दिया। सो क्या लिखने बताइए, इवेंट्स इन्होंने पूरा खा लिया कि नहीं? हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं? दीज आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली, वो क्या है अभी बताना एक्सक्लूसिव, अभी तुम्हारी बात पूरी कर देते हैं, तो साक्षी जो तुम पूछ रही हो हम समझ गए। देखो कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स और देख लो बस, जैसे एग्जॉस्टिव
इवेंट, हमारे पास ई एक इवेंट है, वन का आना, एफ क्या है टू का आना, जी क्या है थ्री का आना, एच क्या है फोर फाइव या सिक्स का आना। अच्छा, ये सारी इवेंट्स क्या एग्जॉस्टिव हैं? क्या ये दे कैन ईट कंबाइंडली द कंप्लीट सैंपल स्पेस? तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि एस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की प्रोबेबिलिटी बताइए यश। बोलो वन बाई, अरे भाई ई की बताओ, टोटल सैंपल स्पेस एनएस नहीं मालूम है क्या? एनएस पता होना चाहिए आपको, क्यों नहीं पता है? कितना लिखे इसकी बताओ, और इसकी, और इसकी दैट इज पी एच, तो क्या लिखते हैं बताओ, थ्री बाई सिक्स, तो कितना हुआ यहां तक ठीक है? अब देखो, हम ये बात कह सकते हैं कि मान लो जो E प्लस एफ प्लस जी प्लस एच क्या है, क्या ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है? तो इसने सैंपल स्पेस खा लिया, और इस वजह से जब भी तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना कितना आया है बताओ, प्लस वन बाई टू, ये बताओ ये चीज कितनी आई, वन बाई सिक्स है क्या? चलो वन बाई सिक्स आ गया, तो ये कितना हो गया इन तीनों का बताओ, क्या ये थ्री बाई सिक्स हुआ? और हाफ अलग से रखो, थ्री बाई सिक्स को क्या कहोगे, वन बाई टू, वन बाई टू तो वन आ गया भाई, जिनका सम वन हो जाए तो इसका मतलब अब इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, पूरी संभावना कवर कर ली, तो दैट इज सम ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट इज ऑल्सो यूनिट, सम ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट इज यूनिटी। अब आप सर पांच डेफिनेशन लिखा, एग्जॉस्टिव इवेंट इफ ए लिस्ट ऑफ इवेंट्स कंज्यूम्स द कंप्लीट सैंपल स्पेस, ए लिस्ट ऑफ इवेंट्स विच, हाँ अभी बता रहे सर एक बार, अभी बता दे, कंज्यूम कंप्लीट सैंपल स्पेस, देन इट इज एग्जॉस्टिव इफ देयर इज ए कॉमन सैंपल पॉइंट बिटवीन एनी टू इवेंट्स, देन दे मे अकर टुगेदर, देन दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई एक कॉमन सैंपल पॉइंट हो जाए तो दोनों का काम बन जाएगा, दो लोग बाजार जा रहे हैं, ब्रैकेट में नहीं बना सकते क्या? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में एक के होने से दूसरे का ना होना होता, और जबकि इसमें एक के ना होने से दूसरे का होना नहीं हो रहा है, इफ वन डज नॉट अगर, तो क्या दूसरी श्योरली अगर कर रही है, पता नहीं छह ही ना आ जाए, जैसे अगर मान लो बीजेपी हार गई है तो क्या कांग्रेस को ढोल नताशे बजानी चाहिए? क्या पता समाजवादी जीत गई हो, तो क्या कांग्रेस का जीतना और बीजेपी का जीतना एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, पूरा घटना है? नहीं, और भी पार्टियां, अगर टू पार्टी सिस्टम होता तब हम कहते कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो उसमें आपने इवन बताया उसमें हो सकता, तो कैसे, तो क्योंकि इवन नहीं आया, वो कदर इवन नहीं आया, बजा ढोल नताशे आज हो जाए पार्टी हमारा हो गया, एक के ना होने से दूसरे का अवश्य होना होता हो, जो बच गई है संभावना वो मेरे जीतने की, मतलब समझ में आ गई बात की नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? अब ये देखो, अभी पूरा बता दें, ये देखो यहां तक लिख लिया ठीक है, ये देखिए आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछे तब आप बता पाएंगे, ये ई है और ये एफ है, टू फोर टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नहीं तुम साक्षी इसे तो नहीं समझ रही हो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, बोलो क्या एक के ना होने से दूसरे का अवश्य होना होएगा? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इफ वन डज नॉट हैपन देन, हाँ इधर देखो, इफ वन डज नॉट हैपन
देन अदर भाई वो ये तो नहीं कर सकता अरे पासा तो खड़ा रह गया पिछले ना हम जीते ना वो जीता ये तो नोट पे खड़ा रह गया था वो वाला वो नहीं डाइस वाला अंत में वो जो दो आता है वो कौन सी मूवी है बॉलीवुड की मूवी है जो आ जाता है मान लो दो आ गया तो उसके घर में शेर आने लगते हैं वो जंगल बन जाता है फिर जुमानजी तो उसमें लास्ट तक पासा खड़ा रह के डोल रहा है अभी टू आ नहीं रहा है सस्पेंस में डोल रहा है और ये नोक में और पहाड़ पे खड़ा है पासा बेचारा गिरे तो कैसे देख लो ये F क्या है क्या S माइनस ई से आ गया इसमें से तुम E हटा दो समझे दो इससे अब आपको बात समझ आ गई आज के लिए इतना ही ये रख देना है तू Thank you.